नमस्कार दोस्तों, अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र का जो पेपर है वो उत्तर सहित लेकर आपके सामने आ चुका हूँ। तो आइए मित्रों, स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। कक्षा 12वीं वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, इकोनॉमिक्स के पेपर में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए, आपका सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। सही विकल्प के तौर पर वस्तु की हर अगली इकाई के प्रयोग से सीमांत उपयोगिता। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, वस्तु की जो हर अगली इकाई है ना, उसका अगर हम प्रयोग करते हैं तो जो सीमांत उपयोगिता है वो घट जाती है। अर्थात हम इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर जाएंगे, घटती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, कौन सी लागत शून्य नहीं हो सकती है। तो इसमें आपको उत्तर में बताना रहेगा, स्थिर लागत। जो स्थिर लागत होती है ना, वो शून्य नहीं हो सकती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, वस्तु विभेद वाला बाजार है। वस्तु विभेद किस बाजार में पाया जाता है, ठीक है। ये वस्तु विभेद क्या है तो आपको याद रखना है, बाजार की एक विशेषता है, ठीक है ना। तो किस प्रकार के बाजार की विशेषता है, तो उसमें आपको याद रखना है, अपूर्ण बाजार की विशेषता है। इसके बाद नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गेहूं का न्यूनतम जो समर्थन मूल्य है वो क्या कहलाता है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं, कीमत सीमा, बाजार कीमत, कीमत तलिया, साम्य कीमत। तो इसमें आपको कंप्लीट याद रखना है, बाजार कीमत कहलाता है, ठीक है। तो इसके आपका करेक्ट उत्तर बाजार कीमत हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, अच्छा इसमें ये जो आपका गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य है ना, ये कीमत तल कहलाएगा मित्रों। ये बी वाला सही रहेगा, इसमें आप थोड़ा ध्यान रखें, बी वाला रहेगा, कीमत तल। प्राथमिक क्षेत्र के बाहर है, तो प्राथमिक क्षेत्र के बाहर होटल जो है ये प्राथमिक क्षेत्र के बाहर आता है। कृषि, मछली पालन और खनन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके बाद में भारत का केंद्रीय बैंक है, तो इसमें आपको याद रखना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको RBI के नाम से भी जाना जाता है। और ये सारे उत्तर भी आप मैच कर लेना, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र है। तो आपको याद रखना है, व्यष्टि अर्थशास्त्र जो होती है उसका कीमत सिद्धांत मुख्य यंत्र होता है। उपयोगिता मूल रूप से प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। अति अल्पकालीन मूल्य को बाजार मूल्य भी कहा जाता है, आपको ऐसे याद रखना है, बाजार मूल्य। अल्पाधिकार के अंतर्गत कुछ ही होते हैं, तो याद रखना अल्पाधिकार के अंतर्गत कुछ ही विक्रेता होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको यहाँ पर विक्रेता आपको याद रखना है। सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास, तो जब सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्यह्रास घटा दिया जाता है तो शुद्ध घरेलू उत्पाद आपको प्राप्त हो जाता है। शुद्ध घरेलू उत्पाद आप इसमें याद रखेंगे। इसके बाद में बजट सरकार की नीतियों का उपकरण होता है, तो जो सरकार की राजकोषीय नीतियाँ हैं उसका उपकरण होता है, राजकोषीय इसका करेक्ट उत्तर होगा। अब इसके बाद में सत्य असत्य लिखिए, इनको आप कंप्लीट करेंगे, 6 अंक के आपके सत्य असत्य है। तटस्थता वक्र एक गोले के आकार का होता है, तो इसमें आपको बताना है असत्य। इसके बाद में स्थिर लागत को पूरक लागत भी कहते हैं, याद रखना आप सभी इसको, सत्य बताएंगे। मूल्य विभेद एकाधिकृत प्रतियोगिता बाजार की विशेषता है, तो इसमें जो आपका करेक्ट उत्तर है वो रहेगा सत्य। इसके बाद में कीमत तल का निर्धारण उत्पादक स्वयं करते हैं, देखो उत्पादक कीमत तल का निर्धारण नहीं करते हैं, तो इसमें आपको असत्य लिखना है। नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रीय आय आर्थिक कल्याण का बेरोमीटर कही जाती है, तो इसमें आपको लिखना है सत्य। और मूल्य हस्तांतरण मुद्रा का प्राथमिक कार्य है, तो इसमें भी आपको क्या लिखना है, सत्य लिखना है। देखिएगा, और ये सारे सत्य असत्य आपके करेक्ट उत्तर है, तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका सत्य है। अब इसके बाद में आपको मैं बताने वाला हूँ सही जोड़ी, ठीक है। तो पूरी सही जोड़ी आप कंप्लीट करेंगे और एक एक जो सही जोड़ी है उसको याद करके और फिर परीक्षा देने जाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी सही जोड़ी है, ये आपके सिलेबस पर आधारित है पूरी। मिट्टी के बर्तन बनाना, तो इसमें आपको याद रखना है, जो मिट्टी के बर्तन बनाना है वो रूप उपयोगिता के अंतर्गत आती है। रूप उपयोगिता, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर गा में दे रखा है। अल्पकालीन विचार, तो इसमें आपको याद रखना है, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम इसमें करेक्ट आएगा। अकेला विक्रेता, विक्रेता कौन होता है, तो आपको याद रखना है, विक्रेता होता है बेचने वाला, ठीक है। और क्रेता जो होता है, क्रेता होता है खरीदने वाला, तो अकेला विक्रेता है।
इसमें आपको याद रखना है एकाधिकारी कहलाता है, एकाधिकार मतलब एक का ही अधिकार, अकेला विक्रेता है इसके कारण। कीमत सीमा, तो जो कीमत सीमा है इसमें आपको याद रखना है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली कीमत सीमा में। प्रतिभूति विनिमय कर, तो प्रतिभूति विनिमय कर में आपको स्टॉक एक्सचेंज शेयर याद रखना है। और चालू खाते की मद है तो आयात निर्यात, चालू खाते की मद आयात निर्यात होती है। और ये सारे आपको जोड़ी उपलस जोड़ी के उत्तर भी आपको यहाँ पर ये दिए गए हैं। इसके बाद में आपको याद रखना है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ये प्रश्न काफ़ी बेहतरीन आपके सामने प्रस्तुत हैं जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में देखने को आपको मिल सकते हैं। देखिएगा आर्थिक समस्या को किस वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, तो इसमें उत्पादन संभावना वक्र आप उत्तर में लिखेंगे, उत्पादन संभावना वक्र। इसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे सीमांत लागत किस पर निर्भर करती है, तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कुल लागत, जो सीमांत लागत है वो कुल लागत पर निर्भर करती है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेताओं व विक्रेताओं की संख्या कैसी होती है, तो आपको याद रखना है अधिक होती है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेता और विक्रेता अधिक पाए जाते हैं, मतलब कि ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है, ज़्यादा भी लिख सकते हैं अधिक भी लिख सकते हैं। इसके बाद अगला देखिए साम्य कीमत से अधिक कीमत निर्धारण क्या कहलाता है, तो कीमत तल कहलाता है, कीमत तल। इसके बाद नेक्स्ट देखिए शक्तिशाली मुद्रा के विभिन्न अवयवों को किस सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो ये सूत्र मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ H बराबर सी प्लस आर आर प्लस ई आर, इस सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बजट का एक उद्देश्य लिखिए, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आर्थिक नियंत्रण, आर्थिक नियंत्रण ये बजट का एक उद्देश्य है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो हो सकता है कि आपकी जो अर्धवार्षिक परीक्षा है उसमें आपको देखने को मिले। और वायरल पेपर हमारे पास में है भी नहीं, और वायरल पेपर हम फालतू की बकवास करते भी नहीं हैं, इसमें आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो ही बताई गई है, ये भी आपको याद रखना है।